हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एमएस मोहित बिंद। तो आज हम बात करेंगे YouTube के बारे में। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके पास मोबाइल हो और YouTube न चलाता हो और YouTube के बारे में न जानता हो। आपको ही पता होगा, मतलब मोबाइल खरीदने से पहले से उसमें इंस्टॉल होता है YouTube, गूगल का जो कि प्रोडक्ट है। तो आज हम उसी की बात करें दोस्तों, क्योंकि पहले तो ऐसा कम होता था लेकिन अब बहुत अधिक होता है। आपको ही पता है कि जब भी YouTube चालू करते हैं, पहले क्या था कि बीच में ही सिर्फ ऐड आते थे, और ऐड आते थे तो ठीक है, मतलब स्किप करने वाले होते जो कि 5 सेकंड के बाद आदमी स्किप उसको कर देता था। लेकिन नॉर्मली आजकल क्या है कि एक तो सिंपल बात पहले ये कि मतलब एक ऐड नहीं आता है, अगर बाई चांस कभी एक आ गया तो ठीक है, उसमें मतलब आजकल स्किप करने वाले ऐड नहीं आते हैं, और कभी कभी तो बिना स्किप करने वाले भी 2 ऐड साथ ही में आ जाते हैं, तब मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो कि 15 सेकंड 20 सेकंड के ऐड होते हैं, तब मतलब ऐसे आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई भी जानकारी की चीज ले रहे हो, मतलब यूट्यूब से सीख रहे हो, उसी बीच में ऐड आ जाता है, तब आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है कि मतलब यार इतना भी ऐड दिखाने की क्या जरूरत है। नहीं तो अगर स्किप वाला है तो फिर तो आपके लिए बढ़िया पॉइंट बन जाता है कि आराम से आप उसको स्किप करके आप उसको हटा दीजिए, फिर उसके बाद आप जो भी पिक्चर देख रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हो उसको करिए। और अभी तो क्या हुआ है, मतलब कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, मतलब कई महीने से, कि अब तो क्या है कि अगर किसी वीडियो पर आप क्लिक करते हैं तो शुरू होते ही मतलब पहले ही 2 ऐड दिखा देता है। ये भी बहुत बुरा लगता है। ठीक है, आप ऐड दिखा रहे हो लेकिन कम से कम शुरू हो जाए कोई चीज, बीच में आप ऐड दिखाइए तो समझ में आता है। लेकिन एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो यूट्यूब का कमाई भी उसी से ऐड से ही है, और हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, जो भी जितने भी यूट्यूबर हैं, उसी के थ्रू कमाते भी हैं उसी ऐड के। अगर ऐड नहीं चलेगा तो फिर कोई कमाई का जरिया ही नहीं रह जाएगा। लेकिन ऐड से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी एक साथ कई ऐड आ जाते हैं जो कि काफी लंबे होते हैं। अगर स्किप करने वाले ऐड है तो ठीक है, आदमी उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी तरकीब बताऊंगा, मतलब उसको सेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई ऐसा मतलब फंक्शन नहीं है कि आप उसे फिक्स कर दें और आपको ऐड आते ही मतलब ऐड खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक मेरे दोस्त हैं, वो मुझे खुद मतलब पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोले थे कि भाई ऐसा कोई वीडियो बनाओ जिसमें मतलब ये बताओ कि मतलब ऐड ही ना आए। तो मतलब ऐड ही ना आए तो आपको भी पता है, चाहे आजकल कोई म्यूजिक हो चाहे कोई ऐप, अगर उसमें ऐड वाला फंक्शन आए तो आजकल तो मतलब बिना ऐड वाले भी पेड वर्जन आते हैं। आप पैसा दीजिए फिर उसके बाद आपको मतलब ऐप में एक भी ऐड नहीं आएगा, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे गाना का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। उसके बाद आप बिंदास एकदम विदाउट ऐड का मतलब वीडियो जो भी देखते रहिए, चाहे गाना सुनते रहिए। तो आज मैं ऐसे एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जिससे कि आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ 5 सेकंड या 2-3 सेकंड लगेंगे, आपका वो पूरा का पूरा मतलब जो कि ऐड रहेगा वो स्किप हो जाएगा, फिर आप जो देख रहे थे आप उसको आराम से देख सकेंगे। तो आपको YouTube का ऐड हटाने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे एक वीडियो आप जो भी वीडियो ऑन कर लिए, वो वीडियो चल रहा है, उस पर ऐड आ जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको ऊपर ऐसे स्क्रॉल करके आपको कोई भी दूसरा वीडियो पर क्लिक कर देना है। दूसरा वीडियो पर आप क्लिक कर देंगे तो मतलब वो वीडियो पहले वाली हट जाएगी, ये वीडियो चालू हो जाएगी। जैसे ये वीडियो चालू होती है आपको मतलब ये क्या 2 सेकंड लगेगा, फिर आप कॉर्नर में नीचे अपने लाइब्रेरी में चले जाइए, वहां से आपको जो पहली वीडियो थी जस्ट आपको ऊपर दिख जाएगी। ठीक है, आप वहां क्लिक कर लीजिए, फिर से आपका पहले वाला वीडियो चालू हो जाएगा और तब उसके बाद कोई ऐड नहीं आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप एक वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आपने ये ट्रिक लगा के जैसे ही ऐड आया लंबा वाला, मान लीजिए शॉर्ट वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो 5 सेकंड में स्किप कर देते हैं। जैसे ही लंबा वाला ऐड आया या फिर एक साथ 2 ऐड आ गए, आप तुरंत जो वीडियो देख रहे हैं उसको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे से कोई भी वीडियो एक ओपन कर लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आप दूसरी वीडियो ओपन करते हैं उस पर भी ओपन होते ही ऐड आने लगता है, तो उस पर भी अगर ओपन होते ही ऐड आने लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत नीचे से एक तीसरी वीडियो ओपन कर लीजिए। और जैसे ही तीसरी वीडियो ओपन हो जाती है तो उस पर ऐड अगर नहीं आ रहा है तो आप सिंपली उसको मिनिमाइज करके आप लाइब्रेरी में चले जाइए, फिर आपसे आपको वहां पर हिस्ट्री आपके दिखेगी, वहां से आपको जो पहला वीडियो था उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर आपसे वीडियो चालू हो जाएगी। चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हम अपने YouTube में आ गए हैं। चलिए कोई भी वीडियो चालू कर लेते हैं, किसी और का क्या, अपना ही मैं चालू कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ऊपर दिखा भी रहा है। ठीक है, मान लीजिए वीडियो को आपने ऐसे चालू कर दिया। ठीक है, ये वीडियो देखिए दोस्तों इस तरह चलने लगा। मान लीजिए मुझे ऐड के लिए तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताया तब समझ जाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए ये मेरी वीडियो चलने लगी। ठीक है, अब इस पर ऐड आ जाएगा। अगर स्किप करने वाला ऐड इस पे आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 सेकंड में यहाँ से स्किप कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि लंबा ऐड आ गया या फिर 2 ऐड एक साथ आ गए तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको जैसे ही ऐड आता है लंबा वाला मतलब, तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करके इसमें से कोई भी वीडियो, सपोजेट इसमें से कोई भी वीडियो जो भी आपको समझ में आए, ठीक है, आप वो वीडियो मतलब तुरंत उसको ऑन कर लीजिए, दूसरा वीडियो। ठीक है, जब इस तरह की वीडियो ऑन कर लेंगे, मान लीजिए अगर इस, अब देखिए जैसे मैंने इसको ऑन किया दूसरा वीडियो, तो इस पर भी तुरंत ऐड आ गया।
ठीक है, तुरंत आ गया ऐड तो ठीक है, अगर स्किप है तो ठीक है तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ देखिए दिखा रहा है दो ऐड है ठीक है इसमें, तो ये लंबा चलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर इसी तरह आपको कोई भी तीसरा वीडियो चालू कर लेना है ठीक है, देखिए तीसरा चालू हो गया, इस पर अब ऐड नहीं आ रहा है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से इसको मिनिमाइज करके फिर यहाँ देखिए लाइब्रेरी में चले जाना है। लाइब्रेरी में जाने के बाद आपका जो पहला वीडियो था जो आपको मेन देखना था फिर यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा कि अभी दोबारा वीडियो चालू होगी तब इस पर ऐड नहीं आएगा दोस्तों ठीक है। ये देखिए इस तरह हो गया। अगर इसी तरह मान लीजिए फिर अगर इसको मान लीजिए ऑन करते हैं कुछ वक्त चलने के बाद, मान लीजिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ पे ठीक है, इसे मान लीजिए मैंने ऑन कर दिया ठीक है, इसके बाद इस पर फिर ऐड आ गया ठीक है, तो अगर स्किप है तो इसकी वजह नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत इसको मिनिमाइज करके यहाँ से या फिर यहाँ नीचे इसे स्क्रॉल करके जहाँ से भी आपको तुरंत एक दूसरा वीडियो कोई भी दूसरा वीडियो मतलब आपको चालू कर लेना है ठीक है। चालू करने के बाद तुरंत ये चालू हो जाएगा, फिर आपको इसको बंद करके इसको नीचे स्क्रॉल करके फिर आप लाइब्रेरी में यहाँ से आके यहाँ से आप इस वीडियो को फिर से चालू कर लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।